दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक मेडिसिन पर, जिस पर हम दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आपको दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आज की इस चेन में हमने रखा है हमदर्द के अर्क जीरा को। तो हम जानेंगे ये हमदर्द का अर्क जीरा क्या क्या फ़ायदे करता है, कौन से ऐसे रोगी हैं या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे कब कब यूज़ करना है, कितनी डोज रहेगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें जिससे आपको इसके बारे में एक कम्प्लीट जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हमदर्द का जीरा हमदर्द के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और इसको हमदर्द के अलावा और भी कंपनी है जैसे कि न्यू समा दिल्ली, रेक्स रेमेडी और इसके अलावा गाइस ये तिबिया कॉलेज वगैरह के द्वारा भी बनाई जाती है। बट सभी का जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है और मेडिसिन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी के सेम मिलते हैं। दोस्तों अर्क जीरा ख़ास तौर से पेट के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती है, यानी पेट के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो पेशेंट को मिलते हैं और इसके अलावा ये उल्टी मितली हिचकी जैसी समस्याओं को भी ठीक करने का काम करती है। दोस्तों इसके अलावा पेट में अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है, इसको भी ठीक करती है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और ये किस तरह से काम करती है। दोस्तों अर्क जीरा के अगर हम फ़ायदे जानें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहला फ़ायदा इसका होता है वेट लॉस का। यानी जिनको ओबेसिटी यानी कि मोटापा है या जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के लिए अर्क जीरा एक बहुत रामबाण मेडिसिन होती है, बहुत मुफीद होती है। दोस्तों ये वेट को घटाती है और बॉडी पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है इसको रिड्यूस करती है। गाइज अगले फायदे की अगर हम बात करें तो ये एक डायुरेटिक मेडिसिन का काम करती है, जिससे पेशेंट को पेशाब खुलकर आता है और जिनको पेशाब में जलन बर्निंग जैसी प्रॉब्लम रहती है तो इसको भी ठीक करती है। और जिनका पेशाब रुक रुक कर आता है, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन आता है, मतलब बूंद बूंद करके आता है, तो ऐसी समस्या को भी ठीक करती है। और पेशाब के साथ बर्निंग होना, कभी कभी पस जैसी फॉर्मेशन आने लगती है, तो इसको भी ठीक करती है। तो इन सभी परेशानियों को दूर करती है। दोस्तों इसके अलावा ये डाइजेशन क्रिया को बढ़ाती है, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को स्टिम्यूलेट करती है, जिससे क्या है कि रोगी को खुलकर भूख लगती है और उसका जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या वगैरह जो है नहीं होती है। तो इसका ये भी काम रहता है, भूख खुलकर लगाती है। दोस्तों इसके यूज़ करने से स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन नहीं होता है, मतलब जो एक्सिस एसिड है वो नहीं बनता है। जो रिक्वायर्ड एसिड होता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, सिर्फ उतना एसिड बनता है। तो गाइज अगर हम साफ सीधी भाषा में बात करें तो इसके यूज़ करने से जो तेजाब की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है और बार बार किसी को टॉयलेट आता है वो भी ठीक हो जाता है। और पेट में अगर किसी को लगातार दर्द बना रहता है तो इसको भी ठीक करती है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हमेशा मुंह से बदबू आती रहती है, तो इसको ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों किसी को उल्टी मितली जैसी फीलिंग आती है, स्पेशली कुछ एक ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको सुबह के समय जब वो उठती हैं, हाथ मुंह धोने जाती हैं, तो उनको उस समय उल्टी मितली जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, इसको भी ये मेडिसिन ठीक करने का काम करती है। और गाइज अगले फ़ायदे की बात करें तो इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर किसी को खट्टी डकार आ रही है, किसी को अपच जैसी समस्या हो रही है, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों इस मेडिसिन के ये अलग अलग फ़ायदे होते हैं जो पेशेंट को मिल जाते हैं और पेशेंट को जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये मेडिसिन इस तरह से काम करती है। तो दोस्तों फ़ायदे जानने के बाद अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या रहता है, यानी ये किन किन चीज़ों से बनाई जाती है। तो गाइज इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो जीरा होता है और इसके साथ इसमें जंजबील, सफ़ेद जीरा और जीरा स्याह, यानी अलग अलग तरह के जीरा और जंजबील से मिलाकर इसको बनाया जाता है शरबत की विधि से और इसको जो है लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है और इस तरह से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोज की, कि इसकी कितनी खुराक आपको लेनी है या कोई अगर इसका यूज़ करता है तो वो इसको कैसे यूज़ करे। तो गाइज डोज के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इसको मेडिकल स्टोर से लाकर 30-30 ml सुबह और शाम
आपको लेना है और आप इसको ताजा पानी के साथ में मिलाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने हकीम की सलाह से लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नॉर्मल लेना चाहें तो ले सकते हैं। गाइज अगर हम इसके साइड इफेक्ट देखें कि अर्क जीरा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो गाइज ये एक सेफ दवाई है, बट अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस समय उनको इसे खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होगा, उनका यूरिक एसिड प्रॉब्लम कर सकता है और भी बढ़ सकता है, या इसका जो लेवल है वो अप डाउन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा रहता है ऐसे पेशेंट इसका यूज़ ना करें। दोस्तों हम बात करेंगे इसके MRP और पैक की, कि कितना इसका MRP रहता है, पैक क्या होता है। तो गाइज़ ये जो पैक है वो 500 ml का है, यानी आधा लीटर का पैक रहता है, और इसका जो MRP होता है वो 65 से 70 रुपये होता है। तो आप इसको 65 से 70 रुपये में ख़रीद के जो है यूज़ कर सकते हैं, और ये 500 ml के कंटेंट में मेडिसिन आती है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में अर्क जीरा के फ़ायदे, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, डोज क्या रहती है, तो हमने ये सारी चीज़ें जानी। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही यूनिक मेडिसिन परिवार का हिस्सा बने। और गाइस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी ये हेल्पफुल जानकारी मिल सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही है, आपसे मिलेंगे एक नए मेडिकेशन के साथ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।